हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं। और फाइनाइट ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, रेगुलर ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी देखा था, रेगुलर सेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम कोई सेट दिया रहे, या तो हो सकता है वो सेट मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब रहे, या एलिप्सिस नोटेशन जिसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहे, और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर बोला जाए कंस्ट्रक्ट करने को, तो ये हम लोग इस लेक्चर का कंसर्न है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम गिवन सेट्स और लैंग्वेजेस। कोई सेट या लैंग्वेज दी रहेगी और उससे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपको ट्रिक को क्रैक करना है और उसके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लिखना है। कई बार ये हो सकता है कि किसी एक सेट को रिप्रेजेंट करने वाले एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है, बट वो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी लिख देंगे और बाद में फिर क्लेम करते रहेंगे कि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बड़ी ध्यान देने वाली चीज है और हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज करिए कि अगर कोई सेट दिया हुआ है, अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, एक रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करना है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सेट जीरो। अब सेट जीरो पे, वैसे तो सेट जीरो का रेगुलर एक्सप्रेशन जीरो होता है। अगर सेट जीरो दिया हुआ है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जीरो होगा, ये तो हमें पता है बहुत अच्छे से। बट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सेट जीरो, सेट जीरो पे ऑल स्ट्रिंग्स का सेट क्या बनेगा? सेट जीरो पे कौन कौन सी स्ट्रिंग? लेमडा स्ट्रिंग बनेगी सेट जीरो पे? बिल्कुल बनेगी। नल स्ट्रिंग, जीरो स्ट्रिंग बनेगी, जीरो जीरो बनेगी, जीरो 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 बनेगी। इस तरीके से करके अगर आप देख रहे हो तो ये जीरो लेंथ से लेके और इनफाइनाइट लेंथ तक की कोई भी स्ट्रिंग बन सकती है जो कि केवल जीरोज से बनी हो। तो ऐसे ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो होगा जीरो स्टार, बिकॉज ये जो सेट लिखा हुआ है, ये सेट ये लिखा हुआ है जीरो स्टार सेट। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा होगा? ये होगा। ये इसलिए लिखा है कि जीरो स्टार कलेक्शन का मतलब होता है कि जीरो लेंथ, वन लेंथ, टू लेंथ एंड सो ऑन अप टू एन लेंथ। इसी तरीके से अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सेट जीरो वन, अब जीरो वन पे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स? सो सेट है जीरो वन, अगर जीरो वन पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होगा तो आप क्या बनाएंगे एक्सप्रेशन? रेगुलर एक्सप्रेशन जीरो प्लस वन। बट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, हर स्ट्रिंग जीरो वन को यूज करके हर स्ट्रिंग जो है वो उस पे बने, तो जाहिर सी बात है ये कहां पे बनेगा? इसका क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगा? जीरो प्लस वन का स्टार, जीरो प्लस वन का स्टार, बिकॉज जीरो लेंथ से लेके और बाकी हर फॉरवर्ड लेंथ तक बनाना है इस तरीके से। वैसे ही अगर आपको कोई सेट दिया रहे, सपोज करिए किसी ने दे दिया सेट कि सेट एल इक्वल्स टू वन की पावर टू एन, चलिए हाँ वन की पावर टू एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू जीरो है और उससे बड़ी है, इनफाइनाइट तक कहीं तक भी हो सकती है। तो हम इसका लिखते हैं, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए वन स्टार। जैसे फौरी तौर पे तो देखने में यही लगता है कि वन स्टार होगा। अब वन स्टार होगा कि नहीं होगा ये हम जरा देखते हैं। अब वन स्टार अगर हम बोलें तो जैसे जीरो स्टार में क्या था? लेमडा था, जीरो था, जीरो जीरो था, थ्री टाइम्स जीरो एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ते हुए। तो वन स्टार में भी कौन कौन से होंगे? लेमडा होगा, चलिए ठीक है अच्छी बात है, वन होगा, वन वन होगा, वन 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 होगा, फिर फोर टाइम्स वन, फिर फाइव टाइम्स वन एंड सो ऑन, इस तरीके से होंगे। तो देखें ये सारे स्ट्रिंग्स इस सेट में मिलती हैं कि नहीं। जैसे ही हम एन की वैल्यू जीरो लेंगे तो वन की पावर टू इंटू जीरो, वन की पावर जीरो, इसका मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रिंग के पावर में अगर जीरो होती है तो उसका मतलब है कि वो लेमडा को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये पहला एन की वैल्यू जीरो के लिए ये तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। एन की वैल्यू वन के लिए देखें क्या मिलता है। एन की वैल्यू जब आप वन रखेंगे तो वन की पावर टू
टू एन, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा वन, टू की पावर, वन की पावर टू इंटू वन, यानी कि ये हो जाएगा वन वन। अब देखिए क्या हुआ, जीरो पे लेमडा तो मिला, लेकिन एन की वैल्यू वन पे वन न मिलके क्या मिल रहा है, वन वन मिल रहा है। इसी तरीके से वन की वैल्यू अगर आप टू रखेंगे, सॉरी एन की वैल्यू अगर आप टू रखेंगे तो ये मिलेगा वन की पावर फोर, यानी कि वन 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 वन। अरे इसका मीनिंग तो आपको याद है ना कि किसी स्ट्रिंग का, किसी स्ट्रिंग डब्ल्यू की पावर एन लिखा हुआ हो तो इसका मीनिंग होता है डब्ल्यू कॉन्कैटिनेटेड विद डब्ल्यू 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 एंड सो ऑन अप टू एन टाइम्स। ठीक है, ऐसा ना समझ लीजिएगा कि वन की पावर फोर ये सर क्या बता रहे हैं, वन की पावर फोर तो वन ही होगा, वो वन मैथमेटिक्स में चलता है, यहाँ पे ये वन नंबर नहीं हो के ये कैरेक्टर, वन को हम एज अ कैरेक्टर ले रहे हैं। वन में अगर आपको समस्या है तो आप ए यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये मिलेगा, यानी कि जीरो पे जीरो लेंथ की स्ट्रिंग मिली, वन पे टू लेंथ की स्ट्रिंग मिल रही है, टू पे फोर लेंथ की स्ट्रिंग मिल रही है, तो थ्री पे एट लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी, यानी कि यहां से ये गायब है, ये गायब है, फिर इसके बाद फाइव लेंथ वाला गायब रहेगा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको अगर आप ब्रेक करें तो ये कैसे ब्रेक होगा, एल इक्वल्स टू वन वन की पावर एन, वन वन की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वन वन तो वन वन स्टार, यानी कि जो ये लैंग्वेज दी हुई है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने वन स्टार बताया ये गलत है, ये नहीं होगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा वन वन स्टार। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा पीछे जाके और फिर से देखिए शुरू से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं। या सपोज करिए अगर ऐसा ना देखे, कोई आपको ये दे दे L इक्वल्स टू, सपोज करिए कोई लैंग्वेज है वन की पावर टू एन और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सपोज करिए वन दे दे। अभी देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे n की वैल्यू जो थी, यहां पे n की वैल्यू जो थी जीरो से बड़ी थी, इसलिए हमने इसको स्टार तुरंत कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे क्या है, यहां पे n की वैल्यू जो है वन से बड़ी है, जीरो से तो जीरो तो एक्सक्लूड कर दिया गया इसमें, तो यानी कि n माइनस वन, इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस वन जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किससे, जीरो से। तो n की वैल्यू वन पे, n की वैल्यू वन पे ये क्या मिलेगा, ये जीरो मिलेगा। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप n माइनस वन को लिख सकते हैं, तो आप हम इसको जरा ब्रेक करके लिखते हैं, l इक्वल्स टू, अगर हम इसमें से इसको पहले तो हम ऐसे लिख दें वन वन की पावर n, ऐसे लिख दें जैसे अभी हमने बताया, और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। इसके बाद हम अगर इसको ऐसे लिखें कि l इक्वल्स टू, अब इसमें से अगर हम वन वन को अलग कर लें तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे वन वन की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे n माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप इजीली बना सकते हैं, इतने की जगह वन वन का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वन वन और कॉन्कैटिनेटेड विद, वन वन का रेगुलर एक्सप्रेशन वन वन कॉन्कैटिनेटेड विद ये वन वन और n माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पे, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पे स्टार। यानी कि आपको अगर ऐसा दिया हुआ है l इक्वल्स टू वन की पावर टू एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, तो आपको पहले n को जीरो पे ले आना है कि कहाँ से ये वैल्यू जीरो होगी, तो उतना इसमें से निकाल दें। इसी तरीके से आप लोग खुद से अब बनाइएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, और आप खुद से बताइएगा, अगर l दिया हुआ है l इक्वल्स टू वन की पावर टू एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, अगर ये दिया हुआ है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये आपको खुद से बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसको सॉल्व करने के बाद कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है इसका। तब तक हम लोग आगे कुछ और देख लेते हैं। यह सपोज करिए कोई लैंग्वेज दी हुई है l इक्वल्स टू ए डब्ल्यू वन बी डब्ल्यू टू, ठीक है, ऐसा सच दैट W1 belongs to A B star and W2 also belongs to
ए बी स्टार, इस सेट का रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें ये है ए, ए का रेगुलर एक्सप्रेशन तो क्या होगा, ए होगा, और यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं, बी है, बी का रेगुलर एक्सप्रेशन तो बी होगा, फिर यहाँ डब्ल्यू टू। अब डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन कहाँ पे है, ए बी स्टार पे, तो जाहिर सी बात है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी इतने का, और ये फिर स्टार लगा है ए बी स्टार, सिमिलरली इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो जाएगा क्या, ए बी स्टार। तो यानी कि इस W1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का स्टार, और यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी का स्टार। तो ये बहुत इजी है, अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग बना सकते हैं किसी लैंग्वेज का। वैसे ही अगर जैसे चलिए आपको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसको पहले एक बार जैसे मैं करा रहा हूँ तो उसको आप करते जाइए, फिर इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा खुद से कीजिएगा बिना देखे, तो कुछ आप सही करेंगे कुछ गलत करेंगे, फिर उसको आप आंसर दोबारा मैच करिएगा। थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है तभी, क्योंकि ये ट्रिकी है, ट्रिक तो आपका तभी दिमाग खुलेगा जब इसमें थोड़ा सा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा अनसीन सिचुएशंस देखेंगे आप उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा कि इस तरीके से हमको अप्रोच करना है। या सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है इस सेट का, एल इक्वल्स टू ए की पावर एम, बी की पावर एन एंड सी की पावर पी, ये है एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बताना है, जाहिर सी बात है अब बहुत आसान है, यहाँ एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, यानी कि अब एम माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा और एन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि n माइनस एम माइनस वन को हम स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और n माइनस वन को, और यहाँ पे p को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को वापस वैसे ही लिख लीजिए, कैसे लिखे हम, a a की पावर m माइनस वन, b b की पावर n माइनस वन, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, और c की पावर p, और इधर आप लिख लीजिए m माइनस वन एन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और ये p ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इतने की जगह पे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, a का, तो a हो जाएगा, a की पावर m माइनस वन की जगह पे हम क्या, m माइनस वन अब जीरो से बड़ा है तो m माइनस वन की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, स्टार। उसी तरीके से b का रेगुलर एक्सप्रेशन b, और इतने की जगह हम लिख सकते हैं b स्टार। c की पावर p, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो c की पावर स्टार। जाहिर सी बात है इस लैंग्वेज में एटलीस्ट, अब देखिए यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार का मतलब ये है कि ये नल भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी यही मतलब है स्टार का, यहाँ पे भी यही मतलब है। यहाँ पे एम एन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एम एन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वन, मिनिमम वैल्यू वन हो सकती है, तो एक ए तो यहाँ से रह जाएगा हमेशा और एक बी यहाँ से रह जाएगा। सी पी की मिनिमम वैल्यू जीरो है तो सी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो जाहिर सी बात है जब स्टार की जगह जीरो आप प्लेस करेंगे तो ए बी इसका जो सबसे छोटा वर्ड इस लैंग्वेज का मिल जाएगा। इस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे और भी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज करिए कभी दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो वन एंडिंग विद वन वन। चलिए इस सेट का रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बताना है, या इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बताना। तो जाहिर सी बात है जो भी स्ट्रिंग होगी यहाँ पे जीरो वन का कॉम्बिनेशन कुछ होगा और लास्ट में क्या होगा, वन वन होगा। जीरो वन का कोई भी कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, स्टार क्लोजर से। तो जीरो और वन को रिप्रेजेंट करने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन जीरो प्लस वन और इसका स्टार और लास्ट में हमने रख दिया वन वन। अब कुछ भी आएगा इधर शुरुआत में कुछ भी आएगा एंड में तो हमेशा क्या रहेगा, वन वन रहेगा ही रहेगा। चाहे आप स्टार की वैल्यू जब जीरो लेंगे तो ये पूरा का पूरा लेमडा हो जाएगा, तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या आएगी, वन वन, ये भी वन वन पे खत्म हो रही है। स्टार की जगह पे वन ले लेंगे, केवल आप जीरो लेना चाहें तो स्ट्रिंग बनेगी जीरो वन वन, ये भी वन वन से खत्म हो रही है। यहाँ पे जीरो ले लें, इसको ले लें तो वन वन वन, ये भी वन वन से खत्म हो रहा है।
आप चाहें तो 0 1 1 1 कर लें तो भी ये भी 1 1 पे खत्म हो रहा है। इस तरीके से ये स्ट्रिंग बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ा सा और देखें हम। जैसे सपोज करें कि फाइंड अ रेगुलर एक्सप्रेशन क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ रेगुलर, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिखते चलेंगे और उसका नोट्स के फॉर्म में आप उसको रखते चलेंगे, इससे आपको बाद में आसानी होगी पढ़ने में दोबारा कभी प्रैक्टिस करना हुआ तो। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स बिगनिंग विद 0 1, बिगनिंग विद 0 1, 0 1 से स्टार्ट हो एंड एंडिंग विद 1 1 ओवर 0 1। इस सेट पे हमें वो सारी स्ट्रिंग्स बनानी है जो कि 0 1 से स्टार्ट हो और 1 1 से खत्म हो। तो 0 1 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग के शुरुआत में 0 1 होगा तो ये तो होगा ही, और 1 1 से खत्म होगा तो स्टार्ट और एंड में तो ये फिक्स हो गए। बीच में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी कहां से मिलेगा, 0+1 के स्टार से, इस तरीके से ये मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी आप स्ट्रिंग 0 1 पे जो 0 1 से स्टार्ट हो और 1 1 से खत्म हो रही हो यहां से आपको मिल जाएगा ऐसे। इसी तरीके से जैसे सपोज करिए अगला क्वेश्चन हमने ले लिया, एक ऐसा क्वेश्चन दे दें हम आपको कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग 1 एट 4th पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओवर 0 1। आप दाएं से बाएं चलें तो उसमें चौथी पोजीशन पे 1 आना चाहिए। राइट साइड ये होता है, इधर से इधर चलना है। एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक भी नहीं है, आप जो लिखा है उसको सही सही समझ लेते हैं और फिर उसको क्या लिखना है ये समझ में आ जाता है आपके, तो क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व हो जाएगा। चौथी पोजीशन पे चलिए हम यहाँ पे फिक्स करते हैं ये इस तरीके से, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, चौथी पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चौथी पोजीशन पे 1 होना चाहिए, तो 1 तो यहाँ पे होगा ही। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या हो सकता है, तीसरी पोजीशन है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है, तो कहाँ से मिलेगा, 0+1 से। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो देखिए तीन पोजीशन में या तो 0+1, आप भूले तो नहीं, 0+1 किसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, 0 1 का। 0,1 कहने का मतलब है और ही, तो यूनियन का मतलब और ही तो होता है, या तो 0 या तो 1। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिख दिया ये पहली पोजीशन पे। अब ये ऑल स्ट्रिंग्स अभी तक तो ये जो बना है कि फोर्थ पोजीशन पे केवल 1 है, या फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, या तो फोर्थ पोजीशन पे 1 है, ऑल स्ट्रिंग्स नहीं बना। ऑल स्ट्रिंग्स कहां पे लगेगा, जब आप शुरुआत में 0+1 का स्टार लगाएंगे, क्योंकि अब ये जो स्ट्रिंग बनेगा, अब ये जिस भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें राइट से चौथी पोजीशन पे 1 तो रहेगा ही, बाकी कहीं पे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये जो है हमारा रिस्ट्रिक्ट करेगा राइट से चौथी पोजीशन को, तीन बार जो हमने लिख दिया है 0+1। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस सेट को। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक छोटा सा, चलिए हम आपको देते हैं, अभी थोड़ा टफ बहुत हो गया। एक सेट दिया हुआ है L इक्वल्स टू, कोई हमारी लैंग्वेज है, इसमें 1 2 3 4 यही है केवल, 1 2 3 4, और बोला इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ, इस सेट का रेगुलर एक्सप्रेशन। जाहिर सी बात है अब पूरा बेसिक्स को भूले तो नहीं, जैसे 0,1 पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, 0+1, उसी तरीके से 1+2+3+4 इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, 1+2+3+4, ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया इस सेट को रिप्रेजेंट करने वाला। बिल्कुल आप बेसिक डिफिनीशन को दिमाग में रखिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं बहुत, मतलब गेट में
ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक दो एटलीस्ट आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो तो वहां पे 4-5 क्वेश्चंस एक एक नंबर के, कई बार दो दो नंबर के इस तरीके से दे देते हैं। आपको कुछ इसमें लिखना नहीं है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस अपना दिमाग चलाना है और सही स्टेटमेंट लिख देना है, तो बड़ा ही ये स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए आप क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर सेट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट 5, सॉरी लेंथ एट मोस्ट 5, 5 है ये, 5, ठीक है, 5 ओवर 0 1, ओवर 0 1। इस सेट पे हमको वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी लेंथ एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी उस स्ट्रिंग की, मैक्सिमम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 5। अब मैक्सिमम 5 में क्या क्या आता है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी पॉसिबल है भाई, मैक्सिमम 5 तो है ही इसमें, 0 है तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग पॉसिबल है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग पॉसिबल है, 3 लेंथ की पॉसिबल है, 4 लेंथ की पॉसिबल है, 5 लेंथ की पॉसिबल है, किस पे, 0 1 पे। तो अगर सेट है हमारा 0 1, तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी बनेगी, किसी भी सेट पे 0 लेंथ की स्ट्रिंग तो लेमडा या एप्साइलन ही बनता है, तो लेमडा हो गया 0 लेंथ की स्ट्रिंग। 1 लेंथ की स्ट्रिंग 0 और 1 पे क्या बनेगा, या तो 0 या तो 1। 2 लेंथ की स्ट्रिंग क्या बनेगा, या तो 0 0 1 1, 1 0 ये, या 0 1 ये, तो ये कहां से मिलेगा, 2 लेंथ की स्ट्रिंग यहां से मिलेगी। फिर 3 लेंथ की स्ट्रिंग क्या मिलेगी, 0+1 की पावर 3। सिमिलरली 4 लेंथ की स्ट्रिंग कहां से मिलेगी, 0+1 की पावर 4 से। सिमिलरली 5 लेंथ की स्ट्रिंग कहां से मिलेगी, 0+1 की पावर 5, इस तरीके से। क्या कहने का मतलब ये है कि, और ये जो प्लस है, ये बाहर वाले प्लस हमें और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि या तो 0 लेंथ, या तो 1 लेंथ, या तो 2 लेंथ, या 3 लेंथ, 4 लेंथ, 5 लेंथ। अंदर वाले प्लस की या तो 0 या तो 1, इसमें से या तो 0 1 की कॉम्बिनेशन, 2 2 की, ये 3 3 की, ये 4 4 की, 5 5, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। चलिए, अच्छा अगर हम आपसे पूछें, क्वेश्चन दे दें, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट लीस्ट 5 ओवर 0 1, कम से कम 5 होनी चाहिए लेंथ। अब आपको ये वीडियो को पॉज करके और इसका खुद ही आंसर सोचना है कि कम से कम 5 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी होगी 0 1 पे। 0 1 पे 5 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी बनेगी, 0+1 की पावर 5, यही होगा जिसमें भाई 5 लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स का सेट कौन सा होगा, 0+1 की पावर 5, तो इसका इसका रेगुलर एक्सप्रेशन तो यही होगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये हुआ। कम से कम 5 होनी चाहिए स्ट्रिंग लेंथ, तो कम से कम 5, और ज्यादा के लिए, और ज्यादा के लिए क्या हम लोग करेंगे, और कुछ भी हो सकता है, तो 0+1 का स्टार। अब या तो इसको ऐसे लिखिए या तो इसको ऐसे लिखिए, दोनों ही एक ही बात है, कि बिकॉज एक ही कॉम्बिनेशन से कॉन्केटिनेट हो रहा है। ये भी यहाँ पे स्टार की वैल्यू अगर 0 हम ले लें तो 5 लेंथ की स्ट्रिंग मिलने लगी, स्टार की वैल्यू 0 से ज्यादा कुछ भी ले लेंगे तो आप उससे बड़ी स्ट्रिंग मिलने लगेगी। कम से कम इस स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो कम से कम 5 तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस नंबर 5, इस नंबर 5 के चलते कम से कम 5 तो रहेगा ही इसका। ठीक है, अच्छा अगर कोई बोले आपसे कि, अब ये एक और इंटरेस्टिंग सीरीज जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे ऑल स्ट्रिंग्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर सेट ए बी ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ ए ओवर ए बी। अब सेट है ए बी, लेकिन हमको केवल इसमें से वही वाला रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें
नंबर ऑफ ए जो हो हमेशा इवन रहे, नंबर ऑफ ए हमेशा इवन रहे। यहाँ पे इवन का मतलब ये है जीरो भी इसमें काउंट होगा, या तो नंबर ऑफ ए जीरो रहे, या तो टू रहे, या तो फोर, या तो सिक्स, या तो इस तरीके, ठीक है, इवन नंबर रखना इसको। तो ये कैसे मिलेगा हमें इवन नंबर? हम लोग एक का नंबर जो है इवन कर लें ए ए, और उसके बाद बी कुछ भी, बी स्टार और बी स्टार, और फिर इन सारे का स्टार। इन सारे का स्टार क्यों? क्योंकि ऑल स्ट्रिंग्स बनानी है हमें, लेंथ जीरो की भी, लेंथ टू की भी, फोर की भी, सिक्स की भी, तो वो तो यहाँ पे स्टार लगेगा तब मिलेगा। अब ए ए जैसे, अब इससे देखिए ये सही है कि नहीं, चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग सही है या गलत है। जब अगर हमें जीरो लेंथ की स्ट्रिंग पानी होगी, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग पानी होगी, तो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग पानी होगी तो इस स्टार की वैल्यू जीरो ले लीजिए तो सब जीरो, तो लेमडा मिल जाएगा। अब अगर हमें केवल दो ए ही चाहिए तो यहाँ पे इस स्टार की वैल्यू ले लीजिए, बी स्टार में इस स्टार की वैल्यू ले लीजिए टू, तो यहाँ पे सॉरी वन ले लीजिए, बी स्टार और यहाँ पे स्टार की जगह पे वन, तो ये दो ए होंगे इसमें। बाकी और कुछ भी आपको बनाना है, केवल ए ए बनाना है तो ए ए ले लीजिए, इस स्टार को भी जीरो ले लीजिए, इस स्टार को भी जीरो, इस स्टार को भी जीरो। वही तरीके से कुछ और बनाना है, जैसे बी ए ए बनाना है तो यहाँ पे स्टार में से आप वन ले लीजिए, यहाँ पे ए तो रहेगा ही, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये ए, बी ए ए भी बन जाएगा। ए ए बी बनाना है, ए ए बी भी बन जाएगा, ये जीरो ले लीजिए, ये वन तो रहेगा ही, ये जीरो ले लीजिए और यहाँ पे वन ले लीजिए, ये ए ए बी बन गया। वही तरीके से ए बी ए बनाना है तो इन दोनों को आप जीरो ले लीजिए। तो कुछ भी ऐसा बन सकता है इससे जहाँ पे नंबर ऑफ ए जो रहे वो हमेशा इवन रहेगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई कह दे, अब इसका आंसर आप फिर से करके कमेंट बॉक्स में करिएगा कि ऑल स्ट्रिंग्स विच कंटेन इवन नंबर ऑफ बी, इवन नंबर ऑफ, बिल्कुल कॉपी है, आप दिमाग लगाइए और कॉपी करके दिखा दीजिए, इवन नंबर ऑफ बी ओवर ए बी, ए बी पे इवन नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी इवन रखना है, इसमें नंबर ऑफ ए इवन रखना था, इसमें नंबर ऑफ बी इवन रखना है, ए पे कोई कंडीशन नहीं लगाइए, जो जितना कहा है उतना हमें करते जाना है और उसमें कुछ बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जरा एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज करिए आपको दिया हुआ है, अब ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ही लेंगे खुद से, एल इक्वल्स टू ए की पावर एम, एम इक्वल्स टू फाइव और एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। अब इसका बनाना है, ए की पावर एम, एम एम इक्वल्स टू फाइव और एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। तो इसमें दो चीजें हैं, या तो ए की वैल्यू पांच रहे या तीन से ज्यादा रहे। पांच वाला कहां से मिलेगा? ए की पावर फाइव से, और लगाया तो और की जगह हम लोग क्या करेंगे? प्लस। एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव, जाहिर सी बात है एम माइनस थ्री करेंगे तभी मिलेगा, यानी कि एम माइनस थ्री करेंगे तो यहां से भी तीन ए निकालने होंगे, तो ए ए ए और उसके बाद फिर ए का स्टार, ये हो जाएगा। देखिए या तो ए, या तो आप ए लेंगे तो एम इक्वल्स टू फाइव हो जाएगा, थ्री या थ्री से बड़ा कुछ भी लेना है तो यहाँ से आप ले लेंगे, इस स्टार को अगर आप जीरो ले लेंगे तो तीन ए मिल जाएगा, इसको वन ले लेंगे तो चार ए, बाकी और एक टू ले लेंगे तो फाइव ए, थ्री ले लेंगे, इस तरीके से एंड सो ऑन मिलता जाएगा। ऐसे जैसे अगर मान लीजिए, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एटलीस्ट वन included in each word over 01, set है 01, मतलब हर वर्ड में जितना भी आप उस लैंग्वेज के जो भी वर्ड हैं या सेंटेंस हैं उन सब में कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब यह है कि कम से कम एक वन तो होना ही चाहिए, एक वन होना चाहिए, एक वन होना चाहिए, तो एक वन रख लेते हैं, बाकी और कुछ भी हो सकता है, तो 0 प्लस 1 का स्टार इस साइड और फिर 0 प्लस 1 का स्टार इस साइड। अब इसमें कुछ भी आप इन स्टार की वैल्यू हो, एक ये वाला वन तो रहेगा ही रहेगा, बाकी चाहे जितने आने हो तो आ सकता है। इसी तरीके से अगर इसी को थोड़ा सा
पलट देता कि एट मोस्ट वन इंक्लूडेड इन ईच वर्ड, ईच वर्ड ओवर जीरो वन। अब देखिए फिर से, एट मोस्ट वन मतलब ज्यादा से ज्यादा एक वन हो या तो फिर जीरो भी वन हो सकता है। तो जीरो वन पे वो स्ट्रिंग हमें बनानी है जिसमें एक भी वन ना हो, तो वो कौन सी होगी? जीरो स्टार, इसमें केवल जीरो ही होंगे। या तो फिर वन स्ट्रिंग वाला लिखना है, तो वन स्ट्रिंग वन एक ही हो, तो या तो जीरो स्टार जीरो स्टार। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? या तो ये पाना होगा, तो यहाँ पे स्टार की वैल्यू वन ले लेंगे, यहाँ पे स्टार की वैल्यू जीरो। ये पाना होगा तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे। बाकी केवल अगर जीरो जीरो की कॉम्बिनेशन बनानी होगी तो इस पूरे को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो कुल मिला के ये आप नया नया क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप करेंगे इसमें आपको समझ में आ गया होगा, उतने तरीके की सिचुएशन आप फेस कर रहेंगे पहले। तो एग्ज़ाम में चाहे वो गेट का हो चाहे आपके सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और उनके कुछ प्रूफ्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए।